मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड क्वेश्चन तक किया था, आज हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके रूट फाइंड करने हैं x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3। इसका रूट फाइंड करना है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए रूट कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें इसको सिंपलेस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से हम क्या कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 3x। इसको अरेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन इक्वल टू 0, ये कर देंगे। उसके बाद हम कंपेयर कर देंगे इसको ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1। अब मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला बताया था फाइंड करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जहाँ डी फाइन कर लेते हैं, डी के इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, 4 बन जाए 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ पर करते हैं डी की वैल्यू को, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी के प्लेस पे क्या जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 इंटू ए के प्लेस पे आ जाएगा 1। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो एक्स की 2 वैल्यू हो जाएगी, एक बार हम प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी हमें फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम लेते हैं एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30 आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं माइनस एक्स प्लस कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 7। इधर कितना है 11 अपॉन 30, ये ऊपर से 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 1 बचेगा और साथ के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगी एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 इक्वल टू 30 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30। एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ से प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला स्टेप वही है, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 3 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 8 यानी क्या गया 1। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस माइनस 3 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1।
यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 ± √1/2 ये आ जाएगा। तो एक बार हम यहाँ पे रूट वन की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो 3 ± √1/2। एक बार हम वैल्यू प्लस की ले लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू ले लेंगे, तो 3 ± √1/2 और दूसरा हो जाएगा 3 - 1/2। 3 + 1 कितना, 4 = 4/2 कितना होता है 2। 3 - 1 = 2/2 कितना हो गया 1। तो ये x की टू वैल्यू आ गई 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड द परसेंटेज, मतलब हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान, कि रहमान की एज जो है 3 ईयर एगो, 3 साल पहले और 5 साल के बाद, उसके एज का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब एक्स का रेसिप्रोकल जैसे 1/x होता है, उसका रेसिप्रोकल का सम जो है 1/3 है, तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम रहमान की परसेंटेज क्या सपोज कर लेते हैं एक्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सपोज रहमान परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। जो रहमान की परसेंटेज कितनी हो गई, एक्स हो गई, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले रहमान की एज कितनी हो जाएगी, हो जाएगी x - 3, और 5 साल के बाद रहमान की एज कितनी हो जाएगी x + 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल के पहले जो एज थी और 5 साल के जो बाद एज थी, उन दोनों का रेसिप्रोकल वो कितना है, 1/3 है। तो हमने इसके इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेंगे, x - 3 और x + 5, इससे कैंसिल हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 5 आ जाएगा, प्लस इससे कैंसिल हो गया, x - 3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। अब ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देंगे, जाएगा x + 5 + x - 3 / x - 3 x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x - 5 - 3 कितना होगा, 2x + 2 / x - 3 x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2x + 2 = x - 3 और x + 5 ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x + 6 = x² + 5x - 3x - 15। तो यहाँ से और क्या हो जाएगा, इसको भी उधर ले आते हैं, x² + 5 - 3 = 2x - 15, ये 6 आके इधर आके -6x, ये भी 6 आके इधर और बच गया 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² ये कितना हो जाएगा, -4x और ये कितना हो जाएगा, -21 = 0। अब हमें क्या करना है, 21 के फैक्टर करने हैं और आना क्या चाहिए, 4 माइनस का 4 आना चाहिए। तो 7 3 = 21 होता है, 7 3 = 21 होता है ना, तो फैक्टर हो जाएगा x² - 4x - 21 = 0। x² - 7x + 3x - 21 = 0। x कॉमन लिए x - 7, प्लस 3 कॉमन लिया x - 7 = 0। यहाँ से x - 7 और x + 3 आ गया। एक बार x + 3 = 0 रखेंगे तो x = क्या हो जाएगा, -3, इसको छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव आ गया। दोबारा क्या पुट करेंगे, x - 7 = 0, तो x = कितना आ गया, 7। तो रहमान की परसेंटेज लास्ट में देंगे, देयरफॉर रहमान परसेंटेज इक्वल टू 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30। क्लास टेस्ट में शेफाली के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को मिला के कितना, 30। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर 2 मार्क्स उसको मैथ में ज़्यादा मिलते हैं और 3 में कम मिलते हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 210 होता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, उन दोनों के हमें मार्क्स फाइंड करने हैं।
तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि सपोज शेफाली के मार्क्स जो मैथमेटिक्स में है एक्स है, और वहाँ से इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 30 है। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, सपोज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू एक्स, और मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, जब दोनों का सम 30 है तो उसका 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि अगर उसको मार्क्स मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 210 के इक्वल है। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे, एक्स प्लस 2 यहाँ से कितना जाएगा 30 माइनस 3 माइनस करके 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 210। ये सॉल्व करेंगे ये जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x और 210 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और 27 माइनस 2 प्लस का 25x और 210 में से 54 माइनस करेंगे माइनस 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पहला नेगेटिव है तो उसको माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे सारे क्योंकि फर्स्ट टर्म निगेटिव नहीं रखते हैं हम। अब 156 के फैक्टर करने हैं हमें कि 25 आ जाए, 156 के फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर की हमने 3 से किया, ट्वेल्व एन 13 आ गया, इसके फैक्टर जो आ जाएंगे 12 और 13 को ऐड करेंगे तो 25 होता है। तो यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 12 आ गया, और माइनस 13 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक बार ले लिया एक्स माइनस 13 और एक ले लिया एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। जब यहाँ पे हम x रखेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल 13 आ जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो x की टू वैल्यू आएगी 13 और 12 ही आएगी। अब देखिए x की टू वैल्यू आ गई 13। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, तो दोनों पॉजिटिव आ गया। केस वन, इफ x इक्वल टू 12, यानी कि x इक्वल टू 12 कहने का मतलब 12 है तो इंग्लिश मैथ में मार्क्स उसके ऊपर 12 या एफ एल सकते हैं, इफ मार्क्स इन मैथ इक्वल टू 12 देयर फोर मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 में से 12 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 18। केस सेकेंड बनेगा यहाँ से, इफ मार्क्स इन मैथ इक्वल टू 13 देयर फोर मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 13 माइनस 13 कर देंगे कितना आ जाएगा 17। तो आपको दो आंसर हो गए कि अगर उसके मैथ्स में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 18 होंगे, और मैथ्स में अगर 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 17 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ जो है 30 मीटर, लॉन्गर साइड मतलब 30 सेंटीमीटर है, मोर देन शॉर्टर साइड 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, हमें फील्ड की साइड फाइंड करनी है। ये देखिए रेक्टेंगल बना लिया है, इसकी शॉर्टर साइड एक्स है, हमने सपोज कर लिया सपोज शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 बड़ी है तो लॉन्गर साइड एक्स प्लस 30 हो जाएगा, और डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से 60 बड़ा है तो डायगोनल कितना हो जाएगा एक्स प्लस 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 बनता है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता ही है क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है, हाइपोटेनस क्या है एक्स प्लस 60, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐड करके ही आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर आएगा 3600 आएगा, प्लस 2ab 120x हो जाएगा, 2 × 60 120 × 120x आ गया। इधर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab 32 × 60 × x यानी 60x हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर बोथ साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इसको भी हम इधर को ले आते हैं माइनस 120x माइनस 3600, इधर क्या बचेगा जीरो, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये देखिए x के हैं दोनों माइनस 60x हो जाएगा, और ये इसमें से माइनस कर देंगे 3600 में से 900 माइनस हो जाएगा 27 बच जाएगा, तो माइनस 2700 इक्वल टू जीरो। इसके बाद लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 60 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2700। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना हो जाएगा माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × −2700 ये कितना हो जाएगा 3600 माइनस माइनस प्लस 27 फोर जा 108 ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 144 00 हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी होता है तो माइनस बी यानी माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू 144 00 अपॉन 2a 2 × 1 60 प्लस माइनस 144 का रूट कितना 12, 2 0 लगाया तो 1 0 आ जाएगा यानी कि 120 हो जाएगा अपॉन 2। अब यहाँ पे एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, 60 प्लस 120 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 120 अपॉन 2, 120 प्लस 60 कितना हो गया 180 अपॉन 2, दूसरा जाएगा माइनस 60 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से यानी निकाल देते हैं, x की वैल्यू हो गई एक वैल्यू हो गई 90 दूसरी वैल्यू हो गई माइनस 30, तो इसको ले लेंगे इसको छोड़ देंगे तो 90 क्या आया, हमने क्या सपोज किया शॉर्टर साइड, देयरफोर शॉर्टर साइड लिख देंगे, शॉर्टर साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा शॉर्टर साइड या ब्रेथ भी लिख सकते हैं शॉर्ट में हम, उसकी वैल्यू हो गई 90 और लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड या लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने क्या सपोज की थी x प्लस 30 की थी ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 आ जाएगा, ये 120 इसका आंसर आ गया, तो एक वैल्यू 90 हो गई दूसरी 120 हो गई। स्टूडेंट इस लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन तक कर लिया हमने, नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 से स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।